शिक्षक शिक्षक जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है। डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं। पैडागॉजी के चर्चा के संदर्भ में आपको ज्ञात ही है कि शिक्षा एक व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया है और व्यवहार निर्माण की यह प्रक्रिया दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि हर विचारधारा अपने हिसाब से दार्शनिक दृष्टिकोण से शिक्षा के अर्थ उद्देश्य पर तथा अन्य प्रत्ययों को स्पष्ट करती है। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज प्रयोजनवाद के संदर्भ में बात करते हैं, जो एक अमेरिकन विचारधारा है जो अमेरिका में चलता है और अमेरिकी जीवन यापन इसी पर निर्भर है। अमेरिकन जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रयोजनवाद का एक सामान्य परिचय है, किस प्रकार से प्रयोजनवाद का जन्म हुआ है, हम इसको देखते हैं। और इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या है प्रयोजनवाद और उसके जो वास्तविक स्वरूप, जो वर्तमान अमेरिकन विचारधारा तक पहुंचने की का इतिहास क्या है, इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, इसके परिचय को जानने के लिए हम प्रारंभ करते हैं। प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती, अर्थात जो पहले से सिद्ध है उस सत्य को यह विचारधारा स्वीकार नहीं करती। इसे जो है अर्थ क्रियावाद, प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद, अनुभववाद, फलानुमेयवाद, फलानुमेय प्रामाण्यवाद, प्रयोगवाद आदि नामों से जाना जाता है। यह सभी अलग अलग नाम जो हैं इसके अलग अलग लक्षणों की व्याख्या करते हैं, साथ ही प्रयोजनवाद का जो विकास का क्रम है उसकी व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से यह अब तक पहुंचा है। यह अमेरिकी जनजीवन से उत्पन्न दार्शनिक प्रणाली है। प्रयोजनवाद ने आदर्शवाद द्वारा जो प्रतिपादित पूर्व सिद्ध सत्य के विरुद्ध आवाज़ उठाई, साथ ही इसने प्रकृतिवाद के अमानवीय वैज्ञानिक सत्य को अविरोध किया। इसने इन दोनों मान्यताओं को चुनौती देते हुए कई नई थेसिस स्थापनाओं प्रस्तुत की। मैंने इसमें आपको बताया कि यह आदर्शवाद के द्वारा निर्धार प्रतिपादित जो पूर्व सिद्ध सत्य के विरुद्ध आवाज़ उठाई, इसका मतलब आप जानते ही हैं कि आदर्शवाद, आप देख चुके होंगे मेरा वीडियो तो आपको पता होगा कि आदर्शवाद में सत्य को सनातन स्वीकार किया जाता है और सत्य के सनातन स्वरूप को स्वीकार करने के पश्चात जो इसमें बात आती है कि यह आदर्शवादी विचारधारा के विरुद्ध एक आवाज़ के रूप में बनकर आया। साथ ही प्रकृतिवाद का जो अमानवीय वैज्ञानिक सत्य था उसका भी इसने विरोध किया कि मतलब जो सत्य है वो हमेशा प्रकृति पर निर्भर करे, यह भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं था। तो इसके इतिहास को प्रारंभ करने के लिए हम जाएं तो इसके इतिहास में सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का, जिनका चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद कहा जाता है। जो यह अर्थ क्रियावाद या प्रैग्मेटिसिज्म शब्द का प्रथम प्रयोग जो था वह चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने अपनी पुस्तक में किया था। पियर्स ने कहा कि जो मनुष्य है वह प्रतीकों का निर्माण करता है तथा उनका उपयोग भाषा में करता है, अतः जो भाषा की अवधारणाएँ हैं दार्शनिक अध्ययन की महत्वपूर्ण समस्याएँ बन जाती हैं। पियर्स कहते हैं कि कोई भी अवधारणा अंतिम नहीं होती, उसका अर्थ उसके व्यवहारिक प्रभाव से निर्धारित होता है। कहने का मतलब जो भी हमने सीखा है, आप मानव के इतिहास में इनकी बात को ध्यान से समझें तो जो मनुष्य था जब जंगलों में रहता था, आदि मानव काल से ही मानव का जो इतिहास चला आ रहा है उस समय से ही उसने जो प्रतीक बनाए और प्रतीकों का उपयोग भाषा के रूप में किया, तो इन भाषाओं को जो दार्शनिक रूप में अध्ययन किया जाता है उसमें समस्या हो जाती है। तो पियर्स इसीलिए कहते हैं कि कोई भी अवधारणा अंतिम नहीं होती है, उसका अर्थ जो होता है उसके व्यवहारिक प्रभाव से निर्धारित होता है, अतः वास्तविक व्यवहार में जो प्रत्यय या अवधारणाएँ एक दूसरे से संबद्ध होती हैं उनके इस पारस्परिक संबंध को उचित रूप में देखना ही उन्हें सीखना होता है। बात आप समझ रहे होंगे, इसको कह रहे हैं कि जो कोई भी अवधारणा है, कोई भी सत्य है जिसे स्वीकार किया जाए वो अंतिम नहीं है, उसका अर्थ जो है उसके व्यवहारिक प्रभाव से निर्धारित होता है। अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं कि जो वास्तविक व्यवहार है उसमें जो प्रत्यय या अवधारणाएँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उनके पारस्परिक संबंध को उचित अर्थ में देखना ही उन्हें सीखना कहा जाता है। सत्य संबंधित जो सभी अवधारणाएँ होती हैं वे अस्थायी होती हैं, इसलिए अस्थायी होती हैं कि उनमें परिवर्तन होता रहता है, निरंतर वे बदलती रहती हैं,
तथा व्यवहार के साथ उनके अर्थ भी बदलते रहते हैं। सत्य को पूर्व अनुभूत अथवा पूर्व सिद्ध आधारों पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बातें कल सत्य थीं वे आज भी वैसे ही सत्य होंगी। यह थोड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी सत्य हो सकती हैं, कभी कभी असत्य हो सकती हैं। तो जो प्रयोजनवाद का इतिहास था उसमें चार्ल्स सैंडर पियर्स का पहला नाम आता है, जिसमें उन्होंने इसको प्रैग्मेटिसिज्म कहा था। इसके बाद नाम आता है विलियम जेम्स का अनुभववाद या फलानुमेय प्रमाण्यवाद कहा जाता है इनके बात को, इनके प्रयोजनवादी विचारधारा को। जो पियर्स के प्रैग्मेटिसिज्म शब्द को विलियम जेम्स ने शिष्ट बनाया और उसे प्रैग्मेटिज्म नाम दिया। जेम्स के अनुसार जो प्रयोगवादी हैं वे अमूर्त विचारों का तात्पर्य आप जान ही रहे हैं कि जिन विचारों का कोई मूर्त स्वरूप नहीं है, अपर्याप्तताओं का जिनको पर्याप्त रूप से समझा न जा सके, और मौखिक समाधानों का और प्राग अनुभूत कारणों का, निश्चित सिद्धांतों का, जो बंद व्यवस्थाएँ हैं और भ्रांतियाँ हैं, पूर्णताएँ हैं, उपपत्तियों हैं, उनसे प्रयोगवादी विरत रहता है, क्योंकि वो जो चीज़ें उसके व्यवहार में आती हैं, जो चीज़ें वह करता है उन्हीं को स्वीकार करता है। विलियम जेम्स कहते हैं कि जो विचार का प्रयोजन है वह मानवीय रुचियों को संतुष्ट करना है। जो विचार होते हैं इसलिए उत्पन्न होते हैं कि जो हमारी रुचियाँ हैं उनको संतुष्टि प्राप्त हो सके। विचार अनुभव में अंतर्निहित होता है। आपको जानना चाहिए कि विचार जो होता है हमारे अनुभव में ही अंतर्निहित होता है। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान के प्रति हमारा जैसा अनुभव होता है, हमें वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह वस्तु, विचार, वह प्रत्यय वैसा ही महसूस होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि विचार अनुभव में अंतर्निहित होता है, और अनुभव की ही उत्पत्ति विचार के रूप में होती है, प्रस्फुटित होती है। जो हम कहते हैं उसमें हमारा अनुभव होता है, अनुभव के अलावा कोई विचार नहीं होता है। अनुभव ही सब कुछ है और जीवन के सभी मूल्य अनुभव से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए सत्य निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह अनुभव पर आश्रित होता है। सत्य वह है जो क्रिया से उत्पन्न होता है। सत्य का मूल्य वह है जो क्रिया में प्रस्फुटित होता है, यानी जो क्रिया में दिखाई देता है। सत्य का मूल व्यवहारिक है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं मानवीय समस्याओं का हल करने में सत्य की अवधारणा सहायक होती है। कोई विचार सत्य है अथवा नहीं, इसका पता उसके कार्यात्मक परिणाम से ही लग सकता है। यानी कोई विचार सत्य है या नहीं सत्य है, जब उसको कार्य में लिया जाएगा, उसका परिणाम जब निकलेगा, वह परिणाम हमारे काम का है कि नहीं है, उसी पर निर्भर करेगा सत्य है कि नहीं है। विजेम्स महोदय कहते हैं कि जो किसी भी नैतिक विश्वास के व्यवहारिक परिणामों द्वारा ही यह निर्धारण करना पड़ेगा कि वह विश्वास सत्य है अथवा असत्य है, अथवा नहीं है या गलत है। सत्य अनेक हैं, वह निर्मित होते हैं और निरंतर परिवर्तनशील हैं। सत्य हमारे विचार, ज्ञान, भावना तथा कर्म के क्षेत्रों के बीच का एक कार्यात्मक संबंध है। सत्य विचार वह है जो व्यवहार में प्रभावकारी बन सके। सत्य कभी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। वस्तुनिष्ठता से आप तात्पर्य जानते ही होंगे कि वह कोई भी देखे तो उसके लिए वैसा ही मिले, सत्य रहे। लेकिन सत्य वस्तुनिष्ठ इसलिए नहीं होगा कि जो चीज़ मेरे लिए सत्य है वह आपके लिए सत्य नहीं हो सकती, किसी और के लिए सत्य हो सकती है। इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि सत्य वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। सत्य की स्थिति जो है व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक होती है। कोई कथन सत्य या मिथ्या नहीं होता, बल्कि उसके सत्यापन के पश्चात ही उसे सही या गलत कहा जा सकता है। जेम्स ने कहा कि यह जगत जो है वह पूर्ण नहीं है। सत्ता जो है वह अनेक शक्तियों और संघर्षों का मिश्रण है, अतः उसमें एकता न होकर के अनेकता विद्यमान है। इसीलिए इसको अनेकतावाद भी कहा जाता है। जगत में वह शुभ एवं अशुभ अनेक रूपों में विद्यमान है। यह जगत अंशतः अनिर्णित है। अनिर्णित इसलिए है कि हम जगत के संदर्भ में बहुत सारी बातों को अभी बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि अंशतः अनिर्णित है। बहुत सारी बातों को हमने जान लिया, लेकिन बहुत सारी बातें आज भी नहीं जानते। मनुष्य भी अंशतः स्वतंत्र है। अंशतः स्वतंत्रता का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि वह थोड़ा बहुत स्वतंत्र है, थोड़ा सा स्वतंत्र है, बहुत नहीं। क्योंकि अतः मनुष्य की जो शैक्षिक अध्यवसायों से, जो अध्यवसायों मतलब कार्य प्रणालियों से जगत को बेहतर बनाया जा सकता है। ईश्वर भी अपूर्ण है, जो सृष्टिकर्ता है यदि है तो वह भी अपूर्ण है, और मनुष्य जो है अपने प्रयासों द्वारा इस जगत को पूर्ण बनाने की प्रक्रिया में उसकी सहायता करता है। वह चाहे जहाँ हो उसकी सहायता मनुष्य करता है। जॉन डीवी की बात की जाए तो ये जॉन डीवी का नाम आदर्श प्रयोजनवाद के संदर्भ में बहुत
सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि शिक्षा जगत में जब बात की जाएगी तो जॉन डीवी का करणवाद, इंस्ट्रूमेंटलिज्म या प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटलिज्म या तथा पुनर्रचनावाद, रिकंस्ट्रक्शनिज्म के नाम से जाना जाता है। शिक्षा की दृष्टि से जॉन डीवी के करणवाद का बड़ा ही महत्व है। इस विचारधारा ने शिक्षा में एक नई क्रांति ला दिया है, जन्म दिया है। डीवी का व्यवहारवाद करणवाद के नाम से इसलिए जाना जाता है कि उनके अनुसार मस्तिष्क तथा ज्ञान उपकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे अपने आप में साध्य नहीं हैं। उनके अनुसार मस्तिष्क तथा बुद्धि का विकास प्राकृतिक ढंग से हुआ है। जीवन की विविध परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए मनुष्य को जो प्रक्रिया करनी पड़ती है, उनके उप उत्पाद के रूप में ही मानव के मस्तिष्क का विकास होता है। मनुष्य को लगा कि वस्तुओं को देखने, उन्हें स्मृति में रखने तथा उनके बारे में चिंतन करने से समान प्रकार की परिस्थितियों में उन पर नियंत्रण करना आसान होता है। सीधी सी बात है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमें जहाँ परिस्थितियाँ समान दिखती हैं, हम एक तरह से अपने जो पुराने अनुभव हैं उनका उपयोग करके अपनी परिस्थितियों को अपने बस में करते हैं या स्वयं परिस्थितियों के बस में हो जाते हैं। तो जैसा होता है उस तरह से हम अपने अनुभव का उपयोग करते हैं। मनुष्य के पास मस्तिष्क ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से ही वह अन्य प्राणियों से अपने आप को ऊपर उठा सका है। डीवी कहते हैं कि ज्ञान मस्तिष्क से परे नहीं है, विचार जो है वह मस्तिष्क की क्रिया मात्र है। मानव मस्तिष्क उसकी क्रियाओं को प्रभावकारी ढंग से चलाने के लिए एक साधन अथवा करण मात्र है। जॉन डीवी के दर्शन का जो दूसरा प्रमुख विचार है वह प्रयोगवाद का है। डीवी ने प्रयोगात्मक विधि को, जो कि वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, मानवीय समस्याओं को हल करने में उपयुक्त समझा। डीवी ने कहा कि जो हमारी चिंतन प्रक्रिया में वही सभी चरण होते हैं जिन्हें एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में व्यक्त करता है, यदि हमें अपने अनुभवों का लाभ प्रभावकारी ढंग से उठाना है तो वैज्ञानिक विधि अथवा प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसी विधि को समस्या विधि भी कहा जाता है। इसका शिक्षण विधि से विशेष महत्व होता है। डीवी मुख्यतः शिक्षा दार्शनिक थे तथा उन्होंने शिक्षा की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना मानी जाती है। इसी आधार पर उनके दर्शन को पुनर्रचनावाद भी कहा जाता है। अब हम बात करें तत्व मीमांसा की, तो अर्थात इस जगत के संदर्भ में जॉन डीवी के क्या विचार थे, तो उसको देखें तो डीवी कहते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ सत्ता है उसका ज्ञान हमारे ज्ञान के साथ कभी तादम्य नहीं हो सकता है। स्वयं अनुभव ही एकमात्र सत्ता है। सत्ता अनेक विभिन्न वस्तुओं तथा व्यक्तियों से युक्त है। भौतिक जगत की विभिन्न वस्तुएं परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। बात समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से। भौतिक जगत की विभिन्न वस्तुएं परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, चाहे जो हो, मौसम हो या फिर प्राकृतिक दृश्य हो या फिर हमारे जो भौतिक संसाधन हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार समाज में रहने वाला हर व्यक्ति भी एक दूसरे को प्रभावित करता है। मानवीय अनुभव के अलावा कोई भी सर्वव्यापी सत्ता नहीं है जिसके माध्यम से इस विश्व की व्याख्या की जा सके अथवा विभिन्न वस्तुओं में एकता देखी जा सके। डीवी कहते हैं कि एकता कार्यात्मक है, आंगिक संबंध है। व्यक्ति को समाज के साथ तादम्य करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह समाज के साथ कार्यात्मक रूप से सहयोग करता है। आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। क्रिटिसिज्म, आलोचना हो सकती है, लेकिन एकदम सत्य है, व्यक्ति को समाज के साथ तादम्य करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि तादम्य का मतलब आत्मसात करने की आवश्यकता नहीं है कि समाज क्या चाहता है, बल्कि वह समाज के साथ कार्यात्मक रूप से सहयोग करता है। समाज में उत्थान कैसे हो, लोगों के जीवन को कैसे ऊपर उठाया जाए, इस संदर्भ में व्यक्ति जो होता है समाज के साथ कार्यात्मक रूप से सहयोग करता है। सत्ता जो होती है वह परिवर्तनशील है। हमारा विश्व निरंतर बदलता रहता है। इसी प्रकार जिस मनस के द्वारा हम सत्ता का चिंतन करते हैं वह भी चेतना का एक चेतना का प्रवाहमान झरना है जो रोज नए रूप में प्रस्तुत होता रहता है। अनुभव की वृद्धि के साथ हमारे विश्वास और मजबूत होते हैं और बदलते रहते हैं। मानव द्वारा अनुभवों की गई सत्ता में कुछ भी अस्थायी अथवा स्थिर नहीं है। संसार के बारे में प्रयोजनवाद कहता है कि यह जगत, यह संसार अनिश्चित है। मनुष्य के इस अस्थिर सामाजिक जगत में परिवर्तन की एक भंवर सर्वहारा नदी की तरह चल रही है। भंवर आप जानते होंगे, जो बड़े बड़े जल
जल के सामग्रियों में समुद्रों में होती है, जिसमें कुछ भी पड़ता है तो अपने में समा लेती है। इसी प्रकार जो सामाजिक जगत है उसमें परिवर्तन की एक भंवर है, सर्वहारा नदी की तरह चल रही है, जो सामाजिक व्यवस्थाओं को भी अपने में लपेट कर नष्ट कर देती है अथवा उसमें अचिंत्य परिवर्तन ला देती है, या तो नष्ट कर देती है या तो हम देखें कि ऐसा परिवर्तन ला देती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। भौतिक सत्ता ना तो मनुष्य प्यार करती है ना ही घृणा करती है, परंतु मनुष्य को उसकी परिवर्तनशील जो प्रकृति है उससे अवगत रहना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रगति स्वयं नहीं होती, मनुष्य को इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। मानवीय स्वतंत्रता के संदर्भ में जांडी भी कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है, परंतु उसकी स्वतंत्रता उसकी स्वयं की प्रकृति के कुछ अनियंत्रित तत्वों तथा अन्य परिस्थितियों के कारण सीमित हो जाती है। डीवी स्वतंत्रता की वास्तविकता में भी विश्वास करते हैं और व्यक्ति को उसका अभिकरण मानते हैं, एक यंत्र मानते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए मनुष्य को बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है और कार्य भी करना पड़ता है। बुद्धि के द्वारा मानवीय लक्ष्यों की परिकल्पना की जा सकती है, उसकी पूर्ति की योजना बनाई जा सकती है, परंतु बिना कार्य किए लक्ष्य अपूर्ण रह जाते हैं। जैसे कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात प्रयास करने से ही कार्य में सफलता मिलती है। केवल मन में एक कल्पना कर लेने से, मन में एक आकांक्षा कर लेने से ही कोई कार्य नहीं हो सकता। नैतिकता के संदर्भ में जांडीवी के विचारों को देखा जाए तो यह ज्ञात होता है कि जो नैतिक मूल्यों को वे निरंतर पुनर्रचना के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है सामाजिक परिवर्तन आता है, वैसे वैसे नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आता है। डीवी यह भी मानते हैं कि नैतिक मूल्य सापेक्ष दृष्टि से अधिक अस्थायी होते हैं। शुभ एक दिन के लिए शुभ नहीं होता है, बल्कि लंबे समय के लिए शुभ बना रहता है। कोई भी व्यवहार सत अथवा श्रेयस्कर उसी सीमा तक होता है जिस सीमा तक उससे प्रभावित सभी व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव की कल्पना कर ली जाए। डीवी तीन नैतिक मूल्यों को स्वीकार करते हैं। डीवी के अनुसार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ रखा है आपके समक्ष कि डीवी जो हैं तीन नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। पहला नैतिक मूल्य लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं, जनता का जनते के लिए जनता के द्वारा शासन। दूसरा है विचार या वाणी की स्वतंत्रता, कैसा सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। तीसरी है नैतिक एवं कानूनी प्रतिबंधों को स्वीकार करते हुए कार्य करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मूल्यों के संदर्भ में देखा जाए तो जॉन डेवी कहते हैं कि धार्मिक होने के लिए हमें किसी आध्यात्मिक या परा प्रकृति प्राकृतिक सुपर नेचुरल पावर यानी दैवीय सत्ता में विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं है। किसी अंधविश्वास को माने बिना भी व्यक्ति धार्मिक रह सकता है। वे धार्मिकता का स्रोत हमारी कल्पना को मानते हैं, जिससे साहित्य तथा कला का उद्भव होता है। इंद्रिय द्वारा अनुभव किए गए कार्य हमें अतीत तथा वर्तमान से अवगत करवा सकते हैं, परंतु कल्पना उसे भविष्य के गर्त में पहुंचा देती है, जो कि अनुचित है। कल्पना द्वारा परिकल्पना किए गए मूल्य जिन्हें मनुष्य भविष्य में प्राप्त करना चाहता है उसके आदर्श कहलाते हैं। यह अनुभूति की मानव के कार्यों द्वारा इन्हें यथार्थ बनाया जा सकता है। डीवी के अनुसार आदर्श न तो किसी प्राग्नुभूत सत्ता में विद्यमान है, ना ही आस्था अंतरण की सहज अनुभूति है। डीवी के अनुसार धर्म स्पष्टतः आदर्शीकृत सामाजिक नैतिकता है। ध्यान से इस लाइन को समझिएगा कि धर्म क्या है, एकदम स्पष्ट है धर्म के बारे में कि वह एक आदर्शीकृत सामाजिक नैतिकता है। यह आदर्शीकृत सामाजिक नैतिकता का तात्पर्य हुआ ऐसी सामाजिक नैतिकता जिसका सब अनुपालन करें। यह कभी भी प्रयोजनवाद के बारे में आलोचना की जाती है कि यह नैतिकता के संदर्भ में बड़ी छूट देता है, ऐसा नहीं है। अब आप इस लाइन से आप समझ सकते हैं, इस पंक्ति से क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि धर्म के संदर्भ में जॉन डीवी महोदय की राय थी कि आदर्शीकृत सामाजिक नैतिकता है। उनकी आस्था मानवीय अनुभव में निहित है, भावी आदर्शों के प्रति आस्था भी इस रूप में विद्यमान है कि वर्तमान में उसे कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। जॉन डीवी धर्म के संदर्भ में वे कहते हैं कि ईश्वर के संदर्भ में कि यदि ईश्वर का अस्तित्व हम मानने से मनुष्य को लाभ होता है, मनुष्य के जीवन में उत्थान होता है, तो ईश्वर है और उसको स्वीकार करना चाहिए। इस संदर्भ में नैतिकता की बात की जाए तो जॉन डीवी की जो नैतिकता है
वह जैव सामाजिक कही जा सकती है, बायो सोशल कही जा सकती है। जीवन के प्रति समायोजन तीन प्रकार से हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहला समायोजन का प्रकार है कि परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को ढाल लें। दूसरा समायोजन का प्रकार है कि परिस्थिति को अपने अनुसार बदल लेना। और तीसरे प्रकार में वे तृतीय रूप में कहते हैं कि स्वयं के व्यवहार और परिस्थितियों की पुनर्रचना की जाए। डीबी जो है तीसरे प्रकार के तृतीय प्रकार के समायोजन को धार्मिक तथा नैतिक कहते हैं और इन्हीं को मान्यता देते हैं। जॉन डीबी के बाद उनके शिष्य विलियम किलपैट्रिक का प्रयोजनवाद आता है। विलियम किलपैट्रिक के प्रयोजनवाद की बात की जाए तो किलपैट्रिक महोदय ने जॉन डीबी की समस्या हल विधि या वैज्ञानिक विधि को प्रोजेक्ट विधि के रूप में विकसित किया था। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किसने किया था, तो आप याद रखिएगा नाम विलियम किलपैट्रिक होता है। मैं शॉर्ट में यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत जो अधिगमकर्ता होता है उसको एक समस्या दी जाती है और उसको समस्या के समाधान तक स्वयं पहुंचना होता है। उनके विलियम किलपैट्रिक के अनुसार मानवीय अनुभवों की उपलब्धि नैतिक मूल्य हैं। दर्शन जीवन के संघर्षात्मक मूल्यों का एक समीक्षात्मक अध्ययन है। दर्शन का काम यह बताना है कि संघर्षों के बीच जीवन कैसे जिया जाए। नैतिकता सामाजिक होती है और अन्य लोगों के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया तथा अंतर्निर्भरता के परिणाम स्वरूप नैतिकता का विकास होता है। यह अंतर्निर्भरता शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तभी से ही यह अंतर्निर्भरता प्रारंभ हो जाती है। और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, वह नैतिक क्रम का विकास है। धार्मिक मूल्यों के बारे में किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि इस सर्वोच्च मूल्य के प्रति मनुष्य की मनोवृत्ति है तथा अनुभव में उस मूल्य की प्राप्ति ही धर्म है। मनुष्य ने जो कुछ अर्जित किया है उसकी रक्षा करना, उसे बढ़ाना मानव के क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। बुद्धिमत्तापूर्ण दूरदर्शिता के साथ कार्य करने को ही आस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज ये विलियम किलपैट्रिक, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के प्रयोजनवाद के सामान्य परिचय के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम इसके प्रयोजनवाद के अन्य पक्षों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने पर विचार कर सकते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि आप कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बस पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार।